चल चल अभी दिल्ली बहुत दूर है चल 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 क्या है सिल्क स्मिता कौन सी माता सिल्क स्मिता बाप क्या करता है हवलदार है अरे अपना ससुर तो हवलदार है भाई कभी सिग्नल तोड़ा तो टेंशन इच नहीं क्या रे तेरे चश्मे का नंबर क्या है क्यों रात को कुछ ज्यादा ही फिल्में देखती है क्या शर्मिली लड़कियाँ पढ़ने में बहुत तेज होती है ऊपर देख अच्छे से पढ़ाई करके कलेक्टर बन जा मेरे अय्याशियों का खर्चा तुझे ही उठाना है तू मेरा ख्याल रखना मैं तेरा ख्याल रखूंगा क्यों अरे कहाँ चला गई तुम्हारी तरफ देखने से लोग इतना डरते क्यों हैं? उस खूबसूरती का क्या मतलब जिसे कोई देख ही ना पाए क्या वो हाँ गई वो जब भी गुजरती है दिल को झटका दे जाती है एक लव लेटर लिख उसके लिए मरवाएगा क्या शाना मत बन एक लव लेटर लिख अबे बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा उस गेट से जो पहला आएगा वही बांधेगा इसकी तो लग गई नसीब खराब है इसका नाम क्या है तेरा बनी सर कॉलेज का पहला दिन है जी हाँ सर ये लेटर ले और काजल नाम की लड़की को दे के आ जा लेकिन क्यों सर मामू रैगिंग है अच्छा वही जो लोग सुबह सुबह पार्क में करते हैं अबे पपलू वो जॉगिंग होती तो है फिर ये रैगिंग क्या होता है जाके ये लेटर काजल को दे के आ सब समझ में आ जाएगा हाँ बकरा कटेगा तुम सब में से काजल कौन है काजल सिर्फ तुमने लगाया तो तुम ही हो ये लो जाओ यहाँ से पहले ये तो ले लो नहीं तो वो लोग मेरी पिटाई करेंगे ले लो ना प्लीज मैंने कहा ना जाओ यहाँ से ले लो ना क्यों मुझे मार खिलाने पे तुली हो Try to understand go मान भी जाओ वो लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं हो जाओ काजल बिटिया को लेटर दे नहीं मैंने ये तो मुझे उन्होंने सूरी बीच में मत आओ तुम इस मामले से दूर ही रहो सूरी उसे कुछ मत करना प्लीज मैं कोई आंख उठाकर देखेगा उसकी आंखें निकाल लेंगे अब तक तो उसका भाजी बना बन गया सर वो लोग मुझे मार रहे हैं लव लेटर देगा तो मार ही खाएगा ना लेकिन मुझे क्यों मार रहे हैं देखिए सर लेटर तो मैंने आपके कहने पे दिया था वो लोग मुझे मार डालेंगे प्लीज अबे सीक्रेट फिल्म के हीरो थोड़ी मार खा लेना सर जी रैगिंग तो अपना आपस का मामला है इसमें टपोरियों को क्यों ले आए
फालतू में ही अपना हुलिया बिगाड़ दिया। अच्छा खासा बाइक पे बैठ के लोगों की रैगिंग कर रहे थे। अब देखो क्या इज्जत रह गई आपकी। हाँ और थोड़ी देर में कुत्ता भी आके मुंह थेगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, आप तो सीनियर है मेरे। चलता हूँ बाय। अंकल इन्होंने वो लेटर दिया था और आपने मेरी पिटाई कर दी। उनकी गलती के लिए तो मैंने उनकी अच्छी धुलाई कर दी है, लेकिन मैंने जो गलती की है आप उसके लिए मुझे सजा दे सकते हैं। कोई बात नहीं, तुम जाओ। नहीं अंकल, मैंने गलती की है, मारी मुझे। वो तो मिस्टेक थी। नहीं नहीं, मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ। बोला ना नहीं, सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। जो हुआ भूल जाओ, जाओ। ठीक है चल, सॉरी बोल। हैं? सुना नहीं, सॉरी बोल। मजाक करता है, सॉरी। अब जा। थैंक यू। काय रे दादा, इसको देख के पतलून गीली हो गई क्या? मेरी पतलून गीली हुई? मेरे को अकेले को बकरा बनाओगे? क्यों, अब तेरी पीली हो रही है? मैं कभी अपने बाप से नहीं डरा, इससे क्या डरेगा? अच्छा, बाप छोड़े, तेरे बाप का बाप है लेकिन अपना कुछ नहीं कर पाएगा। एक बात पूछूं मैडम, आपसे बात करना कोई गुनाह है क्या? अभी बात नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ। और अगर तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी इतनी ही फिक्र है तो उनसे कहो कि घर में ही कॉलेज खोल के रखें, यहाँ आने की क्या जरूरत है? बेचारे सारे स्टूडेंट्स हर वक्त तुमसे डरे हुए बैठे रहते हैं कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए, और गलती हुई और राम नाम सत्य, ये क्या बात होती है? मम्मी आज पहली बार किसी लड़के ने मुझसे बात की। जरूर उसके हाथ पैर टूट गए होंगे। मम्मी वो बहुत ही हैंडसम है, जो मेरी रैगिंग कर रहे थे उसने उनकी जम के पिटाई की। ऐसा नहीं बोलते, तुम ये मारपीट से दूर ही रहा करो, समझी ना तुम? हाय हैंडसम, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तो तुम्हारे प्यार में खो चुकी हूँ। मेरे सपनों के राजा तुम ही हो। हाँ? तुम्हारे लिए चिट्ठी है। क्या हुआ, तुम चिट्ठी को क्यों उठा गए? क्योंकि मुझे वो आदमी नहीं मिला जिसे मैं खाना चाहता हूं। जिस दिन वो मिलेगा मैं कच्चा चबा जाऊंगा। मुझे जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। रानी बिटिया सो रही है? हाँ सो गई। उसने डिनर किया? जी किया। दूध पी दूँ? जी। अने इंडा? वो भी खाए। एक योग तो नहीं दिया ना उसे? नहीं। हाँ लाइट करो, लाइट करो, आराम से। मारी जलेबी, गाजर नू हलवो, मेरा रसगुल्ला, मुआ। मम्मी लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? मुझसे क्या गलती हो गई? क्या किसी ने अपनी औलाद को इस तरह से पाला होगा? अरे उसका बाप एक नंबर का कमीना है। सुधीर नाम के लड़के ने उसे आंख उठा के क्या देख लिया? उसके बाप के चमचे ने उसकी आंखें फोड़ दी। काजल बिटिया से बात करेगा? नहीं सर। प्यार का भूत सवार है? सॉरी सर। उससे आंख उठा कर देखेगा सर। अगर आंख ही ना हो तो? नहीं सर।
भैया जी, अगर आप बोले तो मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, उसकी ओर कोई आंख उठाकर देखे कैसे बर्दाश्त करूँ? वो इस बात को समझती नहीं, मुझसे बात नहीं करती। छोड़िए ना भैया जी, अभी बच्ची है, गुस्सा ठंडा होगा तो अपने आप बात करेगी। आपके जितना प्यार कोई भी बाप अपनी बेटी से नहीं करता होगा। तो उसके बारे में तुम लोग क्या सोचते? अरे सोचना क्या, दूरी रहे उससे। नहीं, मैं उससे दूर नहीं, उसके पास जाऊंगा, उसे अपना बनाऊंगा और उसी के साथ शादी भी करूंगा। ए मुंगेरी, उस लड़की के सपने देखना बंद कर दे। तुम्हें कॉलेज से डिसमिस किया जाता है। लेकिन सर, मुझे मेरी गलती तो बताइए। शट अप, गलती पूछते हो इनका होलिया बिगाड़ने के बाद? सर वो तो हम लोग ऐसी रेसलिंग खेलना है तो रिंग में खेलो, इस कॉलेज में नहीं। यू आर डिसमिस्ड। इसे अपने पास ही रखिए। अपने पास ही रखूं? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हें सच में निकाल दिया जाता है। टेक दिस एंड गेट आउट। सर मैं आपको 5 बजे तक का टाइम दे रहा हूं इसे वापस लेने के लिए। उसके बाद अगर आप मेरे पैर भी पड़ेंगे ना तो भी मैं इस कॉलेज में वापस नहीं आऊंगा। खुले आप मुझे धमकी दे रहे हो। मैंने फिल्म का क्लाइमेक्स बता दिया है सर, बाकी स्क्रीन प्ले आप खुद ही बना लीजिए। 5 बजे तक का टाइम है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुमने क्या मुझे इन जैसा लल्लू पंजू समझ रखा है? मुझे दुनिया भले ही प्रिंसिपल देव सहाय के नाम से जानती हो, लेकिन आज से 25 साल पहले मैं बहुत बड़ा डॉन था, जानते हो। अच्छे अच्छे शेरों की पतलून गीली हो जाती थी मुझे देखकर। ये देखो मेरी छाती और पेट पर ये चाकू के निशान मेरे अतीत को बयां करते हैं। ये जो निशान आप देख रहे हैं ये चाकू के नहीं है मियां, पड़ोसन के नाखून के हैं। पड़ोसन को लाइन मार के दूध पीने गया था किचन में। मैं अकेला 100 के बराबर था। ये नादान आपके डोले शोले और मटके के बारे में क्या समझेंगे? आज समझदारी की बात की। पगार बढ़ाओ सर। मेरे अतीत के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसे मौके आने पर सच बोलना पड़ता है। तो यार आप सोच रहे होंगे कहानी में ये ट्विस्ट कैसा? ये बुड्ढा ठरकी अचानक में प्रिंसिपल कैसे बन गया? बाकी खुद खोल लीजिए। सहाय जूनियर तू यहाँ? डैड आज के बाद आपको सोडा बेचने की कोई जरूरत। क्यों बेटा, म्युनिसिपैलिटी की रेड है। रेड नहीं डैड, मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट। आज दिल गार्डन गार्डन हो गया। हमारे गाड़ी बंगले होंगे, सोडा की फैक्ट्री डालकर लाइफ चेंज। चेंज? आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। मीठा तो नहीं है पर तू सोडा से ही मुँह मीठा कर ले। बचपन में मैंने बहुत बोतलें खो ली। तुझसे एक सोडा की बोतल नहीं खुलती, तू अपनी किस्मत का ढक्कन क्या खोलेगा? यार अगर ये प्रिंसिपल ना होता तो सोडे वाला जरूर होता। सुन, अपने अतीत को भूलकर मैं एक साफ सुथरी जिंदगी जी रहा हूँ। मेरे अंदर के सोए हुए डॉन को मत जगा प्लीज, वरना खून खराबा हो जाएगा। अब जाओ यहाँ से, जाओ। सॉरी सर। धूप में ये बाल काले नहीं हुए, ढाई का कमाल है। हाय। ओह हाय काजल। सॉरी मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गई थी, क्या नाम है? बनी नाम है मेरा। दादा काजल से बात करे ले। पहले किसने बात की? अपनी वाली ने। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिंसिपल ने तुम्हें कॉलेज से क्यों निकाल दिया? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, मैंने वो कल उन टपोरियों की धुलाई कर दी थी ना। ओह आई एम सॉरी, मैं प्रिंसिपल से बात करती हूँ, वो मेरी बात मान जाएंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं रोज कॉलेज आऊंगा। कैसे आओगे, उन्होंने तुम्हें निकाल दिया। वो खुद ही मुझे वापस लाएंगे। जीसस, मैं आपकी मदद लेके उन्हें उल्लू बना रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। सहाय? यस। देव सहाय? प्लीज कंटिन्यू। लॉर्ड जीसस, ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज लॉर्ड जीसस। हाउ आर यू माय चाइल्ड? आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी जीसस। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। क्यों लॉर्ड, क्या हुआ? जानते हो तुम्हारा नाम सहाय क्यों है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरों की सहायता करो। हाँ गॉड, मैं हमेशा दूसरों की सहायता करता हूँ। फिर तुमने आज बनी को कॉलेज से क्यों निकाला? निकाला? उसने मारामारी की जीसस, वो एक नंबर का बदमाश है। हाँ तो तुम भी तो डॉन हो ना। मैं कहाँ का डॉन, मैं तो खुद के खर्राटों से भी डर जाता हूँ। बस इन स्टूडेंट्स को थोड़ा डराने के लिए मैंने उनके सामने थोड़ी ओवर एक्टिंग कर दी थी। करेक्ट, तुम्हारे जैसा तुच्छ प्राणी केवल एक्टिंग ही कर सकता है, किंतु बनी बहादुर और नेक दिल है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं उसी की वजह से तुम्हारे पास आया। यस जीसस, यू आर राइट, बनी इज ग्रेट। वो मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, उसे अपनाना अर्थात मुझे अपनाना, इसलिए कल उसे कॉलेज वापस बुलाना। श्योर जीसस,
मैं कल खुद उसे मनाकर कॉलेज में वापस लाऊंगा। बहुत अच्छे सहाय, अब मैं चलूं? फिर कब आएंगे जीसस? फिर आने के लिए मुझे जाना तो पड़ेगा ना। अब ध्यान लगाकर प्रार्थना कर। हाँ जीसस बिल्कुल। लगता है बहुत जल्दी में थे। उसे प्यार से या जबरदस्ती से कॉलेज में वापस लाना होगा। करना करो सर, मैं लपेट लूंगा। क्या मियां बनी? अबे चुप, मेरा फॉर्मूला आजमाते। बन्नी बेटा, वेयर यू गोइंग? अरे ये क्या, आप तो मेरे प्रिंसिपल के डुप्लीकेट लग रहे हैं। असली को डुप्लीकेट बोलता है? बेटा ध्यान से देख, मैं डुप्लीकेट नहीं असली प्रिंसिपल हूँ। अबे गधे, सुबह सुबह तुझे मजाक के लिए और कोई नहीं मिला क्या? गधे की इंसल्ट क्यों करते मियां, जरा ठीक से चला देखो। नहीं नहीं, ये मेरे प्रिंसिपल नहीं हो सकते। सर आपको नंगा होना पड़ेगा, अपने मटके पे लगे कुत्ता बिल्ली के नाखून के ताता था या दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखा सकता। काई को? कल मैंने जज्बात के प्रेशर में वो सब कह दिया। हाँ। था आज मुझे पेट में प्रेशर फील हो रहा है। इतने सारे प्रेशर में मैं इसका प्रेशर झेल नहीं पाऊंगा। ओके बन्नी मियां, सड़े हुए अंडे और टमाटर की शक्ल और किसी का हो सकता है क्या? सिर में चंपाकली का तेल भर को, पेट में बदबूदार गैस भर को और बाबा आदम के जमाने का पैंट। अब तुम्हें बोलो, बरसात के मेंढक के जैसा पर्सनालिटी और किस? अबे चुप बन्नी। ओके मैं मानता हूँ कि ये मेरे प्रिंसिपल हैं, इन्होंने मुझे टर्मिनेट किया है, मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। बोला ना एक बार, कहीं नहीं जाएगा तू। क्यों नहीं, अब आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? देख बात ऐसी है बेटा कि कल प्रे करते वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर तुझ जैसे स्टूडेंट को लूज कर दूंगा तो मुझे लूज मोशन हो जाएंगे। देखिए सर, आपके पास कल 5 बजे तक का टाइम था, उससे पहले आते तो कुछ हो भी सकता था, अब कोई चांस नहीं है। ये कैसी बात करता तुम्हें? तुम्हें क्या प्राइम मिनिस्टर के बेटे हो ना? तू चुप रह, खाओ जाओ। ये ढीला तुम्हें कुछ बोलता नहीं तो क्या कान में मुतेगा? सर अभी यहाँ से चलते हो ना। मेरे बाप, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं। मेरी आपके सामने कोई इज्जत है कि नहीं? तू क्या अपने आपको शाहरुख समझता? कल का आयो अपोटा प्रिंसिपल। गेट बैक बन्नी, चाहे तू मुझे जूते मार ले लेकिन तू कॉलेज वापस चल। तू नहीं जानता कि मेरे साथ कल रात को क्या हुआ है। क्या हो गया सर? इनका बलात्कार होना। मुझे खुली आंखों से भगवान के दर्शन हुए बेटा, तू मेरी बात मान ले प्लीज बन्नी। ओके अब आप इतना ही कह रहे हैं तो मैं मान जाता हूँ, लेकिन अगर आपने दोबारा आकर दिखाई तो मैं खुद ही टर्मिनेट हो जाऊंगा, समझ गए? हाँ, मैं उल्लू का पट्टा नहीं। क्या काम है? इस नंबर पर फोन करना है। हेलो, एक मिनट रुकिए। बनी तेरा फोन है। किसका है? कहो कि पुलावरम से उसकी माँ का फोन है। माँ, माँ कैसी हो? माँ मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ माँ, बोलो। आने वाली 22 तारीख को रथ सप्तमी है बेटा, तुम्हारे बिना तो रथ नहीं चलेगा। बस मुझे यही याद दिलाना था तुम्हें। मुझे याद है माँ, मैं ना भूला हूँ और ना कभी भूलूंगा, मैं जरूर आऊंगा। बाबूजी कब आ रहे हैं माँ? उनकी सजा पूरी हो चुकी है, वो भी उसी दिन जेल से रिहा होकर सीधे घर आएंगे। काजल कैसी हो? अरे तुम्हें तो निकाल दिया था ना, फिर से कैसे आ गए? सिंपल, मैंने तुमसे कहा था ना प्रिंसिपल मुझे खुद वापस लेकर आएंगे। दादा ये तो गम के माफी चिपकेला है। पहले किसने बात? आई चकावा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जो बोला उसका जवाब दे। वो चिकने ने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मीथेन और क्लोरीन को एक तापमान पर मिलाया जाता है तो एक नया लिक्विड बनता है और उसका फॉर्मूला बाद में बताता हूं। बनी क्या कर रहे हो तुम, पढ़ाई पे ध्यान दो। सॉरी मैम। अब तेरा कुछ नहीं होगा। अब हंसता ही रहेगा या कुछ बोलेगा भी? तूने कहा था तू काजल को पटा लेगा, लेकिन पटाएगा कैसे? हाँ ना वो अकेले बाहर जाती है, ना वो क्लास में अकेले होती है, ना ही कैंटीन में। अबे बाथरूम भी जाती है तो बॉडीगार्ड बाहर खड़ा होता है। हाँ? मैं अगर क्लास के बाकी लोगों को क्लास से भगा दूं तो कैसा रहेगा? वो कैसे? अरे एक से क्या होगा, कम से कम 2 दे देना। क्यों साथ में सास ससुर को भी लेके जाएगा क्या? शोर शुरू हो जाएगा, चल निकल। अरे क्लास के सारे बच्चे कहाँ चले गए? अगर आपने पढ़ाना शुरू किया तो मैं भी चला जाऊंगा। तुम बैठे रहो, मैं ही चला जाता हूँ। बनी क्लास के सब लोग कहाँ चले गए? सब लोग फिल्म देखने गए। सब के सब? आज मेरा बर्थडे है ना तो मैंने सबको ट्रीट दी है। ओह हैप्पी बर्थडे। लेकिन तुम क्यों नहीं गए? तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकता? जाना ही होगा मेरे बिना।
मैं यहाँ से अकेला तो नहीं जाऊंगा। तुम्हें कंपनी देने के लिए पूरी क्लास है ना? अगर मैं चला गया तो यहाँ तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मेरी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं क्लास छोड़ के कहीं नहीं जा रही। ऐसे क्या घूर रहे हो? मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें क्या लगता है ऐसी हरकत करने से मैं मान जाऊंगी? बनी, मेरे बॉडीगार्ड को चकमा देके मुझे ले जाओ। यस। क्या हो गया बनी बेटा? सर, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? तुझे पूछने का पूरा अधिकार है। ये कॉलेज है या गुंडों की धर्मशाला? मैंने तो 25 साल पहले गुंडागर्दी छोड़ दी थी। ये असली गुंडों की बात कर रहा हूँ यहाँ। मुझे तो तू सबसे बड़ा गुंडा लगता है। ये नहीं पूछ लो। कौन? वो लोग। वो और गुंडे? वो तो अपनी काजल के बॉडीगार्ड्स हैं। कल से मैं भी अपने बॉडीगार्ड्स लाऊं? तुम्हें बॉडीगार्ड्स की क्या जरूरत है? वो तो अमीर ज़ादे की बेटी है, इसलिए उसे बॉडीगार्ड चाहिए। मेरे दादा भी बहुत अमीर हैं, मैं भी बॉडीगार्ड्स ला सकता हूँ। क्या यहाँ सोड़ा पियो, उसकी बात मान लो। देख बेटा, सर, इनकी वजह से मैं बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। वैसे किस चीज में? पढ़ाई में सर। आए, तुम पढ़ाई भी करते हो? करता हूँ से मतलब आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैंने ऐसा कहा? आप भी बोला मियाँ, बात की गहराई को समझो। गहराई सर, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं, उन्हें वहाँ से हटाइए बस। हो जाएगा। हेलो, कैसे हैं आप लोग? यहाँ क्यों बैठे हैं? कहाँ बैठे? अंदर आकर बैठिए, यहाँ गर्मी बहुत है। गर्मी तुम जैसे को लगती है, हम लोग यहीं ठीक है। आई नो, मैं जानता हूँ कि शरीफ लोग कहीं भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन मुझे किसी को डिसमिस करने से रोकना है। क्या बोला? डिसमिस मतलब डिस्चार्ज। मतलब आप लोग एसी में आराम से रिचार्ज क्यों नहीं हो जाते? एसी में? किधर? मेरे कमरे में। चलिए मेरे साथ। अब क्या मुझे रुलाओगे प्लीज? ए भूतनी चाया, एसी में हम बैठेंगे तो कहाँ बैठेगा? अगर तुझे प्रॉब्लम नहीं तो मैं तेरी गोद में बैठ जाऊंगा। अब बोल भाई, एसी में मस्त ठंडा ठंडा हवा आता है। हाँ चलिए। अबे क्या कर रहा है तू? है मिट्टी साफ कर दो यार। क्या बात है? हाँ बोला था ना भाई, क्या ठंडा ठंडा हवा है ना? एसी में ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, कुछ ठंडा मंगाऊं? बनी मेरे कार में चलते हैं। क्या कार वार छोड़ो यार, बाइक पे चलने का मजा ही कुछ और है। किसी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा, डोंट वरी। ये दादा, आपने काजल के ली? अरे कौन है? कौन है? हटो, मुझे देखने दो, पकड़ो उसे। चले छुरा निकाल, चक्कू निकाल, छोड़ेंगे नहीं उसे। अरे हाँ यार, वो दिमाग की बत्ती जलाओ, बाहर से लॉक होना। भाई इसने आपको मामू बनाया। क्यों बे? है? हम लोगों को एसी में बुला के हमारी एसी की देसी कर रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, प्रिंसिपलों के झूठ बोलते हैं। तुम्हें तो उसके साथ मिलके ढक्कन को चूना लगाने की बात कहते हैं। ओ, इनको नहीं बताना था। सर जी, ये सही है कि वो मुझसे बात करने आया था, लेकिन नहीं पता था कि वो हम सबको टोपी पहना जाएगा। मेरे मरे हुए शक्ल बाप की कसम, दिलीप भी। अगर भैया जी को पता चल गया ना, एसी तो छोड़ पंखे की हवा के लायक भी नहीं बचेगा। अभी मेरी दूसरी शादी। ठंडा ले, टेंशन रखो, वो अपनी मर्जी से बाइक पे बैठी या जबरदस्ती बिठाया? मांग तो भी सांगना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तू कहीं भगतो, ऐसी कर। बनी, मेरे डैडी। तुम डरो मत, उधर मत देखना। हेलो, इस वक्त काजल कहाँ है? हेलो हेलो हेलो, अबे हेलो हेलो क्या लगा रखा है? हेलो 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 भैया जी, यहाँ पर खुले में सिग्नल नहीं मिल रहा है। सर जी, खिड़की के पास फुल सिग्नल मिलेगा। तू सिखाएगा? तू मेरे को सिखाएगा क्या? एक तो हम लोगों को बाहर से एसी का लालच देकर अंदर बुलाया और फिर हमें बंद कर दिया। मन तो करता है कि तुझे मोबाइल के टावर पर। जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है। तू चुप बैठ रहे, तुम्हें क्या इसको प्यून समझ के रखा है क्या? लगता है तुम्हें को बचपन में तुम्हारी माँ इसके कारनामे नहीं सुने। अबे मरवाएगा क्या? मैं रिटायर्ड डॉन हूँ, मर ये करंट डॉन है कहीं। तो क्या हुआ मियाँ? ए कभी शेर के नाखून के निशान देखे? चलो चलो मियाँ, क्या करो? अब भी दिखाने को। बटन खोलो, बटन खोलो, अपना बटन खोलो। मर गया, क्या करूँ? ले ले, अब तू जवाब दे।
अब बेटा काजल का क्लास किस तरफ है? ऊपर जाके राइट बी सेक्शन। जाब उनको भी लेकर आ। नहीं उनको भी बोल एसी में आकर बैठो, फिर मालूम पड़ेगा तुझे। नहीं बर्फ पे नंगा लिटा कर तेरी सारी गर्मी दूर कर देंगे। ओ नो। पापुड़ी कहाँ मर गए थे सबके सब? इसके लिए एडमिशन फॉर्म लेने गए थे। तेरी तो मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? वो भैया जी सिग्नल खराब था। सिग्नल काजल बेटिया वो क्लास में है। यहीं रुको सब, बिना मतलब का टेंशन। दादा छोकरा एकदम शाना है, कदी आला कदी गला मालूम ही नहीं पड़ा। ए, दोबारा कभी काजल बिटिया के साथ घूमने जाने का ख्याल भी कभी दिल में आए तो पहले मुझे बताना, मैं तुझे ड्राइवर दे दूंगा। उसे आइसक्रीम खानी थी इसलिए ले गया था। तेरे आइसक्रीम के चक्कर में हम पिघल गए थे। I'm sorry, अगली बार ऐसा नहीं होगा, आपकी कसम। ए, दादा फोकड़ का है क्या, उनकी कसम खा रहे और किसकी खाऊं? खाने का तो फफड़ा जलेबी खाना, मेरी कसम मत खाना। तेरी तो मैं ना ना बुरी बात गाली देना बुरी बात है। सहाय सर, सहाय सर, आप रो क्यों रहे हैं सर? ना बेटा ना, ये आंसू मेरे दिल के जज्बात हैं जो आंखों तक आ गए। आज तक किसी ने मेरी बेइज्जती इतनी बुरी तरह से नहीं की। बन्नी मियां, इनो की जगह और कोई होता तो खुद को फांसी पे लटका लेता। ओ। लेकिन इनो की नसीब इतनी खोटी है मियां कि रस्सी भी इनका वजन नहीं उठा सकती। ये सही कह रहा है सर। ये सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से हो रही है। आप मुझे कॉलेज से निकाल दीजिए। कॉलेज से निकलने की बात क्या हुई, सभी जगह से आपका धुआं निकलने लगा। सुनो प्यून, सोडा मार के इनको ठंडा करो। ए भाई आग लग गई है। तुम्हारे डैड को तुम पे भरोसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, वो मुझसे प्यार करते। मुझे लगता है प्यार से ज्यादा वो तुम पर शक करते हैं। What? हाँ काजल, जहाँ प्यार होता है वहाँ भरोसा भी होता है। और अगर तुम्हारे डैड को तुम पर भरोसा होता तो तुम्हें ट्रैफिक सिग्नल पर देखने के बाद भी कॉलेज में ढूंढने बिल्कुल नहीं आते। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर वो तुम पर भरोसा करते हैं तो तुम्हारे साथ इन गुंडों को क्यों भेजते हैं? पूछो उन्हें। मम्मी इनसे पूछो इनको मुझ पर भरोसा है कि नहीं। तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है, तू तो मारो जीव छे दिख रही। इनसे कहिए कि ये गुंडे मेरे साथ कॉलेज नहीं जाएंगे, वरना मैं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा हम अमीर लोग हैं, इसीलिए ये लोग हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं। बॉडीगार्ड एवं प्रॉब्लम सोचे। पागल हो गई है क्या तू? क्या कर रही है, हर चीज तोड़फोड़ रही है, जानती है इनकी कीमत क्या है? इन्हें कहीं पर नहीं क्या बानू, गुस्सा आने पर वो घर की हर चीज को तोड़फोड़ सकती है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? वो मेरी बेटी है, उसे हक है पूरा। मारी दिकरी, मारी ढिंगली, चीजों को ऐसे फेंकोगी तो तुम्हारे हाथों में दर्द होने लगेगा। मेरी बात समझ रही हो ना? समझे छेने? हाँ, तुम कल कॉलेज जरूर जाओगी। ए, कल से कोई भी इसके साथ गया तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। अब तो ठीक है ना? ठीक छेने? कल से घर बैठ के पगार मिलेगी। हमारे कॉलेज में शोर शराबा। आज एक चिड़िया आजाद हुई है सर, हम उसकी आजादी का जश्न मना रहे हैं। चिड़िया? कौन सी चिड़िया? मेरे लिए तो वो मोरनी से कम नहीं। ओ। आप चाहे जो समझे, अब आप बाहर जाएंगे और हम जश्न मनाएंगे। बोला बरम Yeah!
सो जा बेटा, रोते नहीं। बच्चे को अंदर ले जाओ। आपको क्या हो गया? इसे यहाँ क्यों ले आए? अंदर ले जाओ बच्चे को। आज से ये हमारी औलाद है। इसे अपने जान से भी ज्यादा संभालना है। जाओ, जल्दी जाओ। अंदर से दरवाजा बंद करो। जाओ। कहाँ छुपा के रखा है उस बच्चे को? बता, बता, नहीं तो मैं तेरे पति को जल्द से मार दूंगा। वो बच्चा घर के अंदर है, जाके ले लो। आप क्यों रो रहे हैं? शांत हो जाइए। मैंने जान पर खेल कर उस बच्चे की हिफाजत की और तूने इन जालिमों को सौंप दिया। मैंने वो बच्चा नहीं दिया जिसे आप लाए थे, मैंने तो अपना बच्चा दिया। ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, मैंने उसे छुपा कर रखा था, वो जिंदा है। मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि औरत महान होती है, लेकिन आज मैं अपने बच्चे का बलिदान देने वाली औरत से मिला हूँ। तुम त्याग की मूर्ति हो, तुम एक देवी हो। ईश्वर ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया तो क्या हुआ? आज से ये हमारा बेटा है। हाँ, ये हमारा बेटा है। साल जेल में रहने के बाद लोग सिर्फ अपना दुख दर्द सुनाते हैं, लेकिन आपने अपने बेटे को याद किया। आप महान हैं। आप जानना चाहते हैं ना वो कैसा है? आप देखना चाहते हैं अपने बेटे को? उम्र ढल रही है, शादी कब करेगा तू? जिस दिन इस कौवे को कोयल मिल जाएगी। ओ, तुझे किस तरह की कोयल पसंद है? चांद की रोशनी की तरह हो, जो दिन में भले ही ना दिखाई दे लेकिन रात को मेरे पास है। छोटे आदमी की छोटी सोच। ऊपर वाले ने शक्लां तो अच्छी नहीं दी है, कम से कम बाता तो अच्छी कर लिया करो। शट अप। क्या हम यहाँ तुम्हें इतने हिचकियाँ क्यों ले रहे हैं? जो खिसकने की सोच। पहला सवाल ये है कि अरे फिर जाओ। बेनू। हाँ? वो चला गया। अभी तक तो नहीं। तो कब जाएगा? उन्हें को पूछ के आता हूँ। बन्नी। शट अप। उस पर नजर डाले रखो। चला गया सर। क्लास जारी रखो जानी। ओके सर। चलता हूँ। आओ। चलिए सर। शक्ला पे 12 क्यों बज रहा है मियाँ? क्या करूँ मियाँ, उसकी शक्ला देखकर होश उड़ जाता ना। उस पोट्टे से डरना क्या, निकाल दो कॉलेज से। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें को कौन पूछेगा? कंधे पे हाथ। तुमको मैं दोस्त जैसा मानता हूँ। अपनी औकात पे रह बे। तुम्हारे लिए मैं उससे लड़ा तो जबरदस्ती। पता नहीं बनी, तुम्हें पता है कि आज काजल कॉलेज क्यों नहीं आई? नहीं तो? उससे मिलना जुलना बंद कर, उसके बाप को पता चला तो जिंदा जला देगा। अबे ओ, प्यार करने वाले इन चीजों से नहीं डरते। अब तू यहाँ खड़ा मत रह, जाके काजल को ढूंढो। नमस्ते भैया। हाँ, आओ मैं सम्मा। बैठो बैठो बैठो। बैठो। बोलो क्या हाल है तुम्हारा? बस आपकी दुआ है, मुझे आपको एक सरप्राइज देना था। तरुण इधर आओ, ये मेरा बेटा। नमस्ते सर। अमेरिका रिटर्न। समझ गया, तुम अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो। हाँ, अपनी ज़बान को लगाम दो। तेरा यह लौंडा सूट पहनने से मेरी बेटी के लायक हो गया? तुम मेरी बराबरी कर रहे हो?
भूल गए कि तुम मेरे फेंके गए बिस्किट पर पलने वाले कुत्ते हुआ करते थे? सब दिन एक जैसे नहीं हुआ करते भैया जी। पिछले 20 सालों में मैंने भी बहुत तरक्की की है। अच्छा, मेरा ये जूता 20 साल पहले 500 में मिलता था, आज 5000 में मिलता है। अब इसकी कीमत इतनी बढ़ गई है तो क्या मैं इसे अपने सर पे रख लूं? इसकी जगह पैर में ही है और वही जगह तुम्हारी है। मेरी बिटिया राजकुमारी है, उसकी एक झलक पाने के लिए तुम्हें 100 जन्म लेने पड़ेंगे। माफ कीजिए भैया जी, नाराज मत होइए, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज भी आपके लिए जान दे सकता हूं। चल बेटा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ मांगने की? मेरी बिटिया को पाने वाला तो आसमान से आएगा। अति सुंदर। पता है शहर की सारी दुकानें छान मारी तब जाके ये ड्रेस मिली। और क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अगर डैड को पता चल गया कि हम आधी रात को। नहीं पता चलेगा, मैंने उनके दूध में नींद की गोलियां मिलवा दी हैं। सुबह होने तक वो गहरी नींद में घोड़े बेच के सोते रहेंगे। अच्छा अब ये सब बातें छोड़ो और इस सुहानी रात का मजा लो, कम ऑन। ओके मेरे दोस्तों, चांद तारों आकाश और सागर सब मिलके काजल को बर्थडे विश करो। हैप्पी बर्थडे टू यू काजल। अरे छोटू, स्पेशल कटिंग बना। हाँ भाई। हे बच्चों पार्टी, आज मेरी काजल का बर्थडे है, तो ये लो चॉकलेट खाओ और इसे विश करो। हैप्पी बर्थडे टू काजल। ये लो अपने भाई के लिए भी लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें देख के दिल को सुकून मिला। मिल गया ना, अब चलो चल के हमें बैंड बाजे के साथ डांस करना है। बनी, ये हम कहाँ हैं? पता चल जाएगा। तरह मस्ती करते हो? सिर्फ मैं ही नहीं, सारे गरीब लोग इसी तरह मस्ती करते हैं। अमीरों की तरह एसी में पड़े पड़े सोए नहीं रहते। दादा चाय पीना का? मैं ठेले पर नहीं आता, यहीं पर ले गया। दो के ले पर अकड़ नहीं गया। क्या बोला बे? क्यों कान पन गए ले का है? ए, मैं अंधा हूँ, बहरा नहीं हूँ। काय को इज्जत का फल अदा करता है साला, आजकल तो कोई भी आके बजा के जाता है, अपनी तो इज्जत ही नहीं बची। एक काम करता हूँ, अंधा ना होने की एक्टिंग करता हूँ। ए बड़ा, उधर जीप में शक्ल से चोर आग से अंधा बैठे ला है, जा उसको कुतरे के मुंह का चाय दे के। शक्ल लग बे बे मोड़ के तो दे। शक्ल से चोर आग से अंधा तू ही है ना? अंधा किसको बोला रे? हाँ ये चश्मा मैंने क्यों पहना मालूम है? मैं 3D पिक्चर देख के आया। पिक्चर के बाद चश्मा देना भूल गया क्या? आजकल के बच्चे लोग भी ना। अरे ये सूर्य है क्या? ए सूरी, हाँ? कैसा है? हाँ मजे में हूँ, तू कौन है भाई? अरे मैं बनी हूँ। हाँ तू भी मजे में ना? हाँ मजे में हूँ। ये बता तेरी आंखें किसने लूट ली? आंख किसने लूट ली? कोई कैश है कि कोई लूट लेगा? मैंने उसको सेंट्रल आई बैंक में रख दिया है। समाज में इतनी गंदगी हो गई कि मैं अपनी आंख से देख नहीं सकता। जब गंदगी साफ होगी मैं लगा लूंगा। चल ठीक है, समझ गया। हाँ चल निकल अभी, जब मेरे पास इतनी ब्यूटीफुल आईज थी तो किसने नहीं पूछा, अब नहीं है तो सब लोग पूछते। सत्यानाश हो सबका। क्यों भाई, तूने सूरी को इतना मारा उसे मालूम नहीं पड़ा? नहीं, मैंने चेहरे पर ऑयल जो पोत रखा था। पर किसी की आंखें छीनना गलत है ना? उसको अपनी गलती का एहसास तो होने दे, टेंशन मत ले, वक्त आने पे उसकी आंखें भी ठीक करा दूंगा।
आपका बेटा। सिर्फ मेरे ही नहीं, इन सबके आंसू पहुंचने हैं बेटा। मैं सबके आंसू पहुंचूंगा, सबके। पहले मुझे वो सच्चाई बताइए जिसे आज तक आपने मुझसे छुपाया। मुझे सबकी नजरों से बचा के क्यों बड़ा किया गया? आपने मुझे पढ़ने के लिए काजल के कॉलेज में ही क्यों भेजा? ये क्यों चाहा कि वो मेरे प्यार में पागल हो जाए? और सबसे बड़ी बात, मैं कौन हूं? तुम एक राजा के बेटे हो, इसलिए सबसे छुपा के तुम्हें बड़ा किया गया। तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी, इसी वजह से तुम्हारा नाम राजा से बदलकर बन्नी रख दिया गया। काजल तुम्हारी अपनी सगी बुआ की बेटी है। जरा फिर से कहिए। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी का नाम रंगा राव भूपति था। नरसिंह भगवान के लिए जो जगह इस मंदिर में है, वही जगह और सम्मान तुम्हारे पिता के लिए लोगों के दिलों में था। वो सच में सिंह थे, नरसिंह थे। गोदावरी तो पासी में बहती है प्रभु, लेकिन उसमें इतना पानी नहीं कि किसान फसल उगा सके। इस साल इतनी बारिश करिए भगवान कि किसानों की जिंदगी में भी थोड़ी खुशी आ जाए। नरसिम्हा स्वामी की, 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 नरसिम्हा स्वामी की। का बेटा भी आपकी तरह ही बनेगा। आपका आशीर्वाद। मारी काजल। अब तक भैया क्यों नहीं आए? रास्ते में ही होंगे। अरे 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 काजल बेटा, अरे मेरा राजकुमार। ये क्या बेटा, तुम्हारी मांग खाली क्यों है? जाइए, जरा कुमकुम लेकर आइए। नहीं भैया। मेरी बहन को मेरी भी उम्र लग जाए। तुम्हारी शादी के बाद लगा जैसे तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई हो, लेकिन काजल को मेरी बहू बनकर मेरे घर आना होगा। मैं अपने राजा के लिए, अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगता हूँ। तुम खुश तो हो ना? भगवान से तो मांग मांग कर खुशियां मिलती हैं, लेकिन मेरे भाई ने तो मुझ पर बिना मांगे ही सारी खुशियां लुटा दी। मेरी बेटी आपके घर की बहू बने, ये तो उसके लिए सौभाग्य की बात है। मालिक, आपसे कुछ बात करनी है। ये आपने क्या किया मालिक? राजा और इसका रिश्ता पक्का कर दिया? अपने राजा के लिए कोई भी करोड़ों रुपया दहेज में देता। अरे पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन ये प्यार का, खून का रिश्ता बहुत कम मिलता है। आप नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे ना? नहीं सुनूंगा। भैया, ये आपको अकेले में डांट रहे थे ना? अरे ये मेरा लंगोटिया यार है, दिन में एक बार मुझे डांटे बिना नींद नहीं आती इसे। सच कह रहा हूँ ना? आप भी मजाक करते रहते हैं मालिक। मैं ना आज गाँव में मिलने के लिए कलेक्टर आने वाले, चलता हूँ। तुम्हारे पिताजी को किसानों से बहुत प्यार था। किसानों की आत्महत्या करने से उन्हें बहुत दुख होता था। वो किसानों के लिए हर कीमत पर डैम बनवाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने जी जान लगा दी। नमस्ते सर। मेरे ख्याल से कलेक्टर साहब आप 150वीं बार पोलावरम प्रोजेक्ट का सर्वे कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ सर। यस, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यू आर डूइंग योर ड्यूटी for the sake of his salary, not for the society. You are doing your duty
to satisfy the politicians, not for the public. You are doing your duty for the sake of your status, not for the service. यही आपकी ड्यूटी है? लेकिन सर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? जब जब यहाँ की कोई भी रूलिंग पार्टी बदलती है, जब जब यहाँ का प्राइम मिनिस्टर या सीएम बदलता है, इस गांव की हर चीज बदल जाती है, इस प्रोजेक्ट को फिर से भुला दिया जाता है, सारी फाइल इधर की उधर कर दी जाती है। क्या यही आप लोगों की ड्यूटी है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस प्रोजेक्ट के बनते ही हमारी गोदावरी सोना उगलेगी, आंध्र, तेलंगाना और रायलसीमा में चारों तरफ फसलों की बहार होगी, 7 लाख एकड़ बंजर जमीन सोना पैदा करेगी, हर तरह से उपजाऊ बन जाएगी, 960 मेगावाट बिजली गोदावरी के पानी से पैदा की जाएगी, जिसमें लाखों अंधेरे घरों में रोशनी आएगी, खुशहाली आएगी। ये बात सभी जानते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता, क्यों? 1946 में पहली बार ये नेता लोग इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहते थे, 1981 में जाकर इसे इनॉग्रेट किया और ये शिलालेख लगाया। इस बात को सालों बीत गए और सरकारें भी बदलती रही, किसी का कुछ काम बना, किसी का कुछ फायदा हुआ, क्या नतीजा निकला? शून्य। महाराष्ट्र के नासिक से निकलने वाले इस गोदावरी नदी का पानी बहुत ही अनमोल है, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, जो खेती के लिए वरदान स्वरूप है, नरसापुर बीच पर समुद्र में मिल जाने के लिए नहीं है, ये किसानों की संपत्ति है, उनका अधिकार है इस पानी पर, जैसे बच्चों के लिए माँ का दूध है, वैसे ही इसका पानी खेतों के लिए सोना है। लेकिन 70% गोदावरी का पानी समुद्र में मिलकर बर्बाद हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? एक्सक्यूज मी सर, ये सब सरकारी प्रोसीजर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाकर सीएम से बात कीजिए। रंगा स्वामी। जी मालिक। सभी किसानों से कहो कि कल सुबह कार्लटन के स्टैचू के पास जमा हो, हम हैदराबाद जाकर रैली निकालेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे वहाँ पे बुला लिया होता। मैं खुद इसलिए आया हूँ क्योंकि सरकार हमारी आवाज को अनसुना कर रही है। सीएम साहब, सालों से अभी तक पोलावरम प्रोजेक्ट क्यों नहीं पूरा हुआ? देखिए, पोलावरम प्रोजेक्ट जितनी बड़ी परियोजना है, उसके साथ जुड़ी हुई मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी है। क्या मुश्किलें हैं इसके साथ? जैसे नहर को बनाने के लिए हजारों एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी, जिससे बहुत से छोटे किसानों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है। वो आपकी समस्या है, जिस किसान के पास 10 एकड़ जमीन है, उसे 1 एकड़ देने में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और जिस किसान के पास 5 एकड़ जमीन है, उसे आधा एकड़ देने में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाकी बचे गरीब किसानों की बात करते हैं, उनके नुकसान की भरपाई मैं खुद अपनी जमीन देकर करूंगा, ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ है। मैं अपनी 4,000 एकड़ जमीन इस सरकार को दान में देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हरित क्रांति वाले गांधी नेहरू के इस देश में हमारे ये किसान भाई सिर्फ इतिहास का एक कोरा पन्ना बनकर रह जाएं। नमस्ते। सीएम साहब, अभी तक आपने किसानों की सुसाइड के बारे में सुना है, अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बना तो आगे से आप राजनेताओं के मर्डर के बारे में सुनेंगे। सर, ये जो भी था बड़ा महान आदमी था, वरना आजकल के जमाने में अपनी जमीन भूखे नंगे किसानों को कौन देगा? अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बना तो ये भूखे नंगे किसान हाथ में बंदूक लेकर हमें मारने के लिए आएंगे, समझे? इसलिए जल्दी जाओ और प्रोजेक्ट की फाइल लेकर आओ। जाओ। नमस्ते राजा जी। पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए आपकी जमीन को गवर्नमेंट के नाम ट्रांसफर करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ। पेन दीजिए। एक बार साइन करने से पहले सोच लीजिए मालिक। मालिक। हेलो भैया, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ बहन। भैया, कल सुबह हम काजल का अन्नभोग कर रहे हैं, आपको जरूर आना है भैया। अरे वाह, कितने बजे बहना? मैं आ जाऊंगा। सुबह 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा बहना। बहनों जी क्या कर रहे हैं? आपके बहनों ही अपने होने वाले दामाद के साथ खेल रहे हैं। अरे दामाद नहीं, उनसे कहो ये मेरा बेटा है, बेटा। जरूर आना भैया।
आऊंगा आऊंगा, जरूर आऊंगा। आपने उन्हें समझाया क्यों नहीं? कोई बिना सोचे समझे ऐसे अपनी संपत्ति दे देता है क्या? हम इंसान को समझा सकते हैं पर भगवान को नहीं। वो नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। राजा स्वामी जय! आप सभी लोग राजा स्वामी के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचिए। राजा जी एक फैमिली फंक्शन निपटा के सीधा वहीं पहुंचेंगे। अरे तुम्हारे भैया किसानों की प्रॉब्लम सुलझाने में तो नहीं लग गए? जो नहीं आओ मेरी बैच। पकड़ के लाए नमूनों को? अंडरवर्ल्ड से। मुंह मांगी की ये इनके बस की बात नहीं। तुम जाकर पीछे से वार करो। मैं वो साइन किया हुआ ब्लैंक पेपर सा है मेरे पास ही है, ये लो। मैं कोई भी गवाह नहीं छोड़ता और जो वकील इस तरह की राय दे वो तो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, तुम? हाँ भाई साहब। ऐसा क्यों किया? आपकी दौलत के लिए। एक बार मांग के तो देखते। बिना मांगे ही ले ली। ये जमीन मैंने सिर्फ गरीब किसानों के लिए दान की है, ये उनका ही हक है। उनके साथ अन्याय मत करो। अगर तुम मेरी बहन के सुहाग नहीं होते तो मैं इसी वक्त तुम्हें मार देता। इस जमीन के बिना किसान फिर आत्महत्या करेंगे। ये जमीन उन गरीब किसानों को दे दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मर गया साला। रोते नहीं राजकुमार, तुम्हारे पापा आते होंगे। बस बस चुप हो जाओ। अच्छा, अरे भैया क्यों नहीं आया? हमसे ज्यादा जरूरी उनके लिए गांव है, वो जमीन रजिस्ट्रेशन करवाने गए। ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझसे खुद वादा किया था कि वो जरूर आएंगे। तो मैं क्या करूं? देर हो रही है, कब तक इंतजार करेंगे? पंडित जी जी आइए, आओ चलिए पूजा शुरू। देखो लगता है भैया। आइए। ओम अन्नपूर्णे साधापूर्णे शंकरा प्राण वल्लभे
ज्ञान वैराग्य सिद्धाधर इसे आशीर्वाद दीजिए पार्वती ये लीजिए प्रसाद अन्नपूर्णे साधापूर्णे शंकरा प्राण वल्लभेय भैया 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 ये क्या हो गया कैसे हुआ भैया नहीं बता सकता नहीं बताऊंगा बेटा देखो बहन आज से तुम इसकी बुआ नहीं बल्कि माँ हो जब ये बड़ा हो जाए तो इससे कहना कि अपने बजाय लोगों की सेवा करे यही मेरी आखिरी इच्छा है इसे पूरा करना बहन तुम्हारी बुआ को डर था कि तुम्हारे पिताजी की तरह तुम्हें भी मार दिया जाएगा इसलिए उन्होंने तुम्हें मुझे सौंप दिया हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जान बचाई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया क्या कि मैंने तुम्हारे पिताजी को मरवाया है जो मेरे दोस्त थे न्याय और कानून को पैसों से खरीदा क्या आपने क्या किया मुझे बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी मेरे लिए आपने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया कौन कहता है कि मैंने अपने बेटे को खोया क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो जब जब तुम भूख से रोए तो मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाया भले ही मैंने तुम्हें अपने कोख से जन्म नहीं दिया लेकिन जान से ज्यादा प्यार किया है तू मेरा मेरा बेटा है हाँ तू मेरा आपकी यह कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी बाबूजी एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं आप बस देखते जाइए तुम वहां क्या कर रहे हो अरे कुछ नहीं बस टाइम पास कर रहा हूँ आज मैं तुम्हें डिनर में अपने हाथ की बनी फिश करी खिलाऊंगा डिनर मैं नहीं आ सकती आज डैड ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है क्या काजल रोजी पार्टी करती हो आज मेरे साथ डिनर नहीं कर सकती नहीं कर सकती आज मैं डैड के साथ बात करने वाली हूँ जानते हो क्या अपने प्यार और शादी के बारे में क्या कहा तुमने किससे प्यार और शादी क्या ये क्या कह रहे हो तुम हाँ भाई मैंने कब कहा मुझे तुमसे प्यार है बनी बी सीरियस मैं सीरियस ही हूँ मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया याद करो मैंने तुमसे कभी कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या आई लव यू बनी तुमने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था वो सब क्या था तो तुम्हें लगता है केक काटने का मतलब लव होता है एक ही कप में चाय पीना वो क्या था एक कप में चाय पीना प्यार है हम बाइक में पूरे शहर में घूमे तो वो क्या था बाइक पर साथ साथ घूमना लव नहीं होता है देखो काजल इस दोस्ती को प्यार समझने की गलती मत करो मुझे प्यार शब्द से ही डर लगता है अरे बेटा बताओ तो सही हुआ क्या है अरे बताओ कि नहीं तो पता कैसे चलेगा भैया जी अरे हाथ हटा भैया जी आप भी कुछ तोड़ो ना क्यों? तोड़ो सच में ये आइडिया काम में आएगा मैं बोल रहा हूँ आपको जल्दी करो तोड़ो मैं बोल रहा हूँ आपको एक्सपीरियंस है
काजल, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? पहले तुम बताओ तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि एक लड़के ने मेरी इंसल्ट की है। कौन से? नाम बताओ उसका। बन्नी। ए सॉरी। हाँ भाई, जाके बन्नी के हाथ पैर तोड़ डाल। चलो मेरे को लेके चलो। प्यार कर ले। ए रुक जा। क्या कहा बिटिया तुमने? मुझे बन्नी चाहिए डैडी, वरना मैं आज से खाना पीना छोड़ दूंगी। एक साल बाद मुझसे बात करने के लिए तुम्हें यही बात मिली थी? मुझे बन्नी चाहिए डैडी, उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। ऐसा नहीं बोलते बिटिया। ए सॉरी, उसके हाथ पैर जोड़कर उसे यहाँ ले आओ। Can you repeat? अंधे के साथ बहरा हो गया तू, उसके हाथ पैर जोड़कर उसे यहाँ लेकर आ। अब तो ठीक है ना? हवे थोड़ू खाई ले बेटा। उसके हाथ से ही खाऊंगी। ए, प्यार से बात करना। ए, हाँ? चल रहे? कहाँ चलूं मोटे? भैया जी नहीं आती है। मैं किसी भैया जी और भाभी जी को नहीं जानता। ए, तो चुपचाप चलेगा कि नहीं? ए, भैया के पोपट चल फिर। अपने पैरों पे चलेगा कि उठा के लेके जाओ? उठा के ही ले चल। ए, रनिंग कमेंट्री देना यार। अबे मैच देख नहीं सकता, सुन तो सकता है। बेटा, मेरे प्यारे बेटा, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, भैया जी तुम्हें बुला रहे हैं। भैया जी हो या फिर किसी के फूफा जी, जिसे मुझसे मिलना उसे कहो यहाँ आके मिले। ऊंची आवाज में कभी मुझसे बात मत करना, वरना जबान काट लूंगा। बन्नी क्या मरी गया बता? आगे कहाँ है वो? कहाँ है? नहीं आया। नहीं आया मतलब? इंग्लिश में बोलो क्या? नॉट कमिंग। तुमने उससे यहाँ आने के लिए बोला था? हाँ बोला ना, फिर भी मना किया। तुमने उसके सामने मेरा नाम लिया था? हाँ बोला, भैया जी ने बुलाया। क्या बोला? वो बोला भैया जी और भाभी जी, मुझे किसी की परवाह नहीं है, जिस किसी को मुझसे मिलना हो वो यहाँ आए, मैं कहीं नहीं आने वाला, और मना कर दिया। ए, उसकी जबान काट के क्यों नहीं खिला दी उसे? उसने भी सेम डायलॉग मारा, कुछ ओरिजिनल बोलो ना। उसकी हड्डी पसली क्यों नहीं तोड़ दी? बस साव तो झांसे, हम वही डिस्कस कर रहे हैं आपस में। कितना झूठ बोलते हो। अबे लाना पड़ेगा, चल। भाई क्या है, मर्सिडीज नहीं, कितनी बार साफ करेगा तू? ए, मैं साफ कर रहा हूँ ना, तुझे क्या तकलीफ है? बन्नी तुम्हारा नाम है ना? मेरा ही नाम बन्नी, चेंज करेगा? अभी बहुत छोटा है तू। सिर्फ दिखता छोटा हूँ। ए, इतना सिर पे चढ़ के मत नाच। सिर पे चढ़ने ही क्यों दे रहा है? मुझे गुस्सा मत दिला। गुस्सा मुझे भी आता है। मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा। सेम हियर, मतलब की बात है। चल मतलब की बात करते हैं। मेरी बेटी तुझसे प्यार, उसने तुम्हें बुलाया है। इतनी सी बात, इस छोटी सी बात के लिए तुम लोग इतने परेशान हो, इतना गुस्सा हो? मेरी जान हलक में अटकी है, ये तेरे लिए छोटी सी बात है? देखो, पोस्टमैन का काम होता है चिट्ठी पहुंचाना, तुम्हारा काम हो गया। अब अगर मेरा मन होगा मैं चिट्ठी पढ़ लूंगा, तुम परेशान मत हो। तू जानता है कि मैं कौन हूँ? कौन हो भाई? सोमराजू। हाँ होगा तो क्या करूँ? तो क्या करूँ? ए तुम लोग जरा घूम के आओ। ए इस संदे को भी ले जाओ। चल रहे हैं। देख मजाक बनकर कुछ सीरियस बात करनी है। मेरी बेटी से प्यार क्यों किया तुमने? आपको गलत फहमी हुई है, आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार नहीं। तू सचमुच नहीं करता? इसीलिए तो मैं नहीं आ रहा था। वो तेरे बगैर खाना नहीं खाएगी, मैं उसे भूखा नहीं देख सकता। बहुत दिनों बाद आज उसने बात की, एक बार वो खाना खा ले फिर तुम वापस चले जाना। अच्छा मान लो अगर खाना खाने के बाद उसने मुझसे कहा कि कल सुबह मुझे आई लव यू बोल के जाना, तो मैं सारी रात पहरा दूंगा? ऐसी नौबत नहीं आएगी, चल। मुझे पैदल चलने की आदत नहीं है, उनसे कहो कार यहाँ लाए। मंगवाता हूँ मेरे पास। काजल, काजल। अरे सुनो, उसने खाना खाया क्या? नहीं खाया। आंटी आप परेशान मत होइए, मैं आ गया हूँ ना, आप खाना लाइए, मैं उसे खिलाऊंगा। काजू, काजू। अरे तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? चुपचाप खाना खाओ नहीं तो पिटाई होगी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, मुंह खोलो। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, ये क्या कह रही हो? बोलो करते हो या नहीं। कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझसे झूठ बोलने के लिए कह रहे हो? अरे हरिश्चंद्र मत बन, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, कह दे। ठीक है तो अब मैं उससे सच्ची कहूंगा। काजल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच कह रहा हूँ।
बस तुम्हारे डैड से डरता हूँ। अरे ये मरवाएगा, मुझसे डरने की क्या जरूरत है? अच्छा अगर आपने मुझे मरवा दिया तो? अरे कैसी बातें करते हो, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? है ना दिक्री? झूठ तो नहीं बोल रहे? तो फिर मुझे काजल से प्यार है। काजल मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आई एम वेरी सॉरी, आई रियली लव यू। सच में? तुम्हारे डैड की कसम। इसी सिंदूर के लिए पिताजी ने अपनी जान दी थी ना बुआ जी। मैं आ गया हूं ना, अब क्यों रो रहे हो? तुम्हें देखते ही ऐसा लगा जैसे भैया आ गए। मुझे डर था कि वो लोग तुम्हें भी जान से ना मार दें, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गई। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम मेरे भाई के बेटे हो तो इस बार जितने भी गुंडे आएंगे चार कंधों पे वापस जाएंगे। आंसू पोंछ लो। भैया सोमाराजू अपनी बेटी की शादी तय कर रहा है। वो कहीं भी किसी भी जगह रिश्ता पक्का कर ले, किसी भी दूल्हे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर उसकी बेटी की शादी होगी तो सिर्फ मेरे बेटे के साथ होगा, वही जो मैं तय करूंगा। और मैंने तय कर दिया है कि उसकी सारी जायदाद मेरे नाम होगी और उसकी बेटी मेरे बेटे के नाम। ये फिक्स है। अरे काजल, काजल रुको। अरे अरे मेरे पास रुको, मुझे। अरे सुनो, मेरे हाथ नहीं आए वाली। भैया जी ये किलकारी किसकी है? काजल और बन्नी पकड़ा। अबे गधे के बच्चे, तू यहाँ धृतराष्ट्र का जासूसी करने आया है? अंधा तो मुझे हो जाना चाहिए था, तुझे नहीं, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। खेलो खेलो, खूब खेलो, खूब खेलो। भैया जी हम लोग उनके साथ नहीं खेल सकते हैं। तुझे पकड़ा पकड़ी खेलना। वो आपकी कुंडली में शनि की तरह बैठ गया है। मेरी बेटी की वजह से मैं फंस गया। एक आइडिया दो भैया जी, आप मर जाइए। क्या बोला बे? आपको सच्ची में मरने कौन बोल रहा है? नकली जहर से उसको सुसाइड करने की धमकी दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। ऐसा क्या? नहीं तो क्या, फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। एक्सपीरियंस है भैया जी। अंकल थैंक यू सो मच, मैं काजल को बहुत प्यार करता हूँ, बस आपसे डरता था। लेकिन अब किसी का डर नहीं, मेरी शादी उससे हो रही है जिसे मैं चाहता हूँ। ओ गॉड आई एम सो लकी। ओके अंकल अब मैं चलता हूँ, बाय। ओके बाय। भैया जी उसने प्लान के बारे में तो नहीं सुना ना? कौन सा प्लान? हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे और कुछ नहीं बेटा। अच्छा अच्छा बिजनेस की बात है। बाय अंकल। बाय। भैया जी वो गया की है? चला गया। क्या बताओ भैया जी, जब से अंधा हुआ हूँ ना खाने में और धोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तेरी प्रॉब्लम अपने पास रख और जाकर कहीं से नकली जहर लेकर आ, जल्दी जा। जी कंपनी का ये आप क्या कह रहे हैं? बोली जाए ने। लेकिन क्यों डैडी, आप तो उसे पसंद करते हैं ना? पसंद करता था लेकिन अब नफरत करता हूं। सॉरी डैडी, मैं आपकी तरह अपना फैसला नहीं बदल सकती। मुझे तुम्हारी ये जिद बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तारो बाप छू। ये प्यार व्यार की बातें अपने दिमाग से निकाल दो। आपको किसने कहा कि प्यार दिमाग से किया जाता है डैडी? प्यार तो दिल से किया जाता है। फिल्मों के कुर्ता पैजामा छाप राइटरों की तरह बात मत किया करो। तुम अभी बच्ची हो और बच्चों की तरह ही बात करो। भूली जाए ने। उसे भूलने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। तुम क्यों मरोगी? मैं ही मर जाता हूँ। अरे ऐसा मत कीजिए, मार जाइए ना। दरवाजा खोलिए डैडी, डैडी दरवाजा खोलिए प्लीज। चलिए ना डॉक्टर के पास लेके जाते हैं प्लीज। मैं क्या करूंगा जी करके, क्या करूंगा जब ये मेरी बात ही नहीं मानती। डैडी आप जो करेंगे मैं वही करूंगी डैडी। मुझसे वादा करो कि तुम उसे भूल जाओगी, और न मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। डैडी प्लीज डैडी, आप बाहर आ जाइए, आपको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। नहीं पहले मुझसे वादा करो। अरे तू ये कैसे? अंकल क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? इन्होंने जहर पी लिया और हॉस्पिटल भी नहीं चल रहे, समझाओ इन्हें। आंटी आप लोग जल्दी जाइए और एम्बुलेंस बुलाइए। तुम
तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। मैं तुझे काजल से अलग करके कुत्ते की मौत मारूंगा। एक क्रैकिंग न्यूज है, कुछ ही देर में तुम ऊपर पहुंचने वाले हो, क्योंकि जो जहर तुमने पिया वो नकली नहीं असली था। मैंने बॉटल बदल दी। देखा डैडी, आप कह रहे थे ना कि बन्नी बुरा है, अगर आज वो वक्त पे नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। अबे टकले, अकल के अंधे भैया जी ने नकली की जगह असली जहर ले लिया। मैं टकला नहीं, बन्नी हूँ। चाहूंगा मैं तुझे साथ सवेरे। कहाँ जा रहे हो? भाई साहब बाथरूम कहाँ है? आंटी आप लोग जरा बाहर जाएंगे, मुझे अंकल से थोड़ी देर अकेले में बात करनी है। काजू तुम भी प्लीज। तो अंकल क्या हाल है? तुझे देखते ही मुझे सारे नक्षत्र दिखने लगते हैं। एक बात बोलूं अंकल, तुमने जो पॉइजन पिया वो असली नहीं नकली था। शौक लगा ना? एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, मैं हमेशा तुमसे चार कदम आगे ही रहने वाला हूँ। तुम्हारी उम्र हो गई है, अब आराम करो, अपनी जायदाद और अपनी बेटी की फिक्र छोड़ दो। इन दोनों को संभालने के लिए मैं हूँ ना, तुम भजन कीर्तन करो यार। क्या बोला तुमने? अपनी जायदाद और अपनी बेटी को मुझे सौंप दो, मैं उनकी हिफाजत करूंगा। ओके, मैं हार गया, मैं जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हूँ। अंकल हर बार मैं जूते पहनते समय सोचता हूँ कि आज कौन खुशकिस्मत है जो मेरे जूते चमकाएगा, आज चांस आपको मिल गया। बताओ शादी के लिए तुम्हारी क्या शर्तें? अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दो। मेरे बाद मेरी सारी जायदाद तो तुम्हारी होगी। मैं तुम्हारे मरने का इंतजार नहीं कर सकता, तुम्हारे जीते जी चाहिए। तो तुम्हें मेरी बेटी से नहीं मेरी दौलत से प्यार है? मुझे बातों के जाल में मत फंसाओ, जैसे कह रहा हूँ वैसे करो। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके बुलाता हूँ, तुम जा सकते हो। थैंक्स। जो इलीदू, यही उसका असली चेहरा है, सिर्फ पैसे का लालची है वो। क्या आप भी तुम उससे प्यार करती हो? अब भी तुम अपने बाप से ज्यादा उससे प्यार करती हो? समझाओ आने। आज के बाद मैं उसे कभी नहीं मिलूंगी। गाड़ियां निकालो। देखा माँ, मैंने उसे दिलो जा से प्यार किया और उसने मेरी दौलत से प्यार किया। डैडी बिल्कुल सही कहते थे कि मैं ऐसे लालची इंसान के साथ नहीं रह सकती। मम्मी तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अगर तुम्हें सच्चाई का पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। किधर छुपा है? क्या रे, तुझे मेरी दौलत चाहिए ना? तेरी अर्थी का बंदोबस्त मैंने कर दिया है। किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले उसका अतीत अच्छी तरह जान लो। तेरी औकात नहीं मेरी बेटी से शादी करने की। आवाज नीचे रख और एक बार जरा पीछे मुड़ के देख। तुम वो मेरे भाई का बेटा है। मैंने ही उसे तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। मैं चाहती थी कि वो यहीं पढ़े ताकि तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओ। उसे ये दौलत अपने लिए नहीं चाहिए बल्कि मेरे भाई के सपने को पूरा करने के लिए चाहिए। जो दौलत तुम उड़ा रही हो उस दौलत पर उसका हक है। तुम्हारे डैड की जिंदगी भी मेरे भाई की दीवी भीख है। मेरा दामाद शेर है, सच्चा शेर।
चाहूं तो मैं तुझे अभी खत्म कर दूं। जिस वजह से तुझे मेरे पिताजी ने छोड़ा, उसी वजह से आज मैं भी छोड़ रहा हूं। वो वजह यह है कि तू मेरी बुआ का सुहाग है, वरना मैं या मेरे पिताजी कब का तुझे मारकर तेरी चिता को आग लगा चुके होते। चल जा। ए! सुन, आने वाली रथ सप्तमी के दिन जमीन के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पोलावरम पहुंच जाना। चाहूं तो तेरे हलक से अभी कागजात निकाल लूं, लेकिन तुझे सुधरने का एक मौका देना चाहता हूं, और कोई चालाकी मत करना, क्योंकि मैं अपने पिताजी जितना शरीफ भी नहीं हूं। మరి పాపుడి సునో కాజల్ క్యా చే హోనే వాలే పతి సే మిల్నే గయి హై సారీ బన్నీ మేనే తుమే బహుత్ గలత్ సమ్జా ఐ యామ్ రియల్లీ సారీ అరే తో గలత్ ఫెహ్మియో సే హీ లోగ్ సీఖ్ కర్ అప్నే ప్యార్ కో ఔర్ మజ్బూత్ బనా బన్నీ क्यों बुलाया है? टिकट खेलने के लिए। ए, तुमने जिसे मारा था वो रंगा राव का बेटा नहीं था, वो राजा स्वामी का बेटा था। ओ, तो क्या हुआ? अच्छा, तो क्या हुआ? अरे जरा देखो ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। मुझे क्या मालूम भैया जी, मैं तो अब तेरी तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो? उसे अब मार देंगे। अरे कैसे मार दोगे, वो कोई दूध पीता बच्चा थोड़े ही है, बहुत ताकतवर बन गया है। उसके बारे में सोचकर ही कांपने लगता हूँ। अबे तू जानता नहीं उसे? बहुत ही अच्छी तरह से। तो जा उससे लड़कर दिखा, फिर मेरी बात तेरे भेजे में आएगी। आपने जो भी हुक्म मुझे दिया मैंने पूरा किया, पर आपने मुझे पैरों की जूती समझा। अब मैं जो कहूंगा तुझे वो करना पड़ेगा। क्या बोला? अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करनी है। मेरी बेटी की शादी तेरे बेटे के साथ? हाँ सही सुना तूने, मेरे बेटे के साथ। अरे जब तक वो जिंदा है ये शादी नहीं हो पाएगी। इन दोनों की शादी के बाद ही मैं उसे मारूंगा। भैया जी, इसने बन्नी को अभी तक देखा नहीं है ना, इसलिए इतना उछल रहा है, बाद में अपने आप ठुस हो जाएगा। चुप रहे। अब बताओ क्या करना है? इतना मत सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए। जाओ और शादी की तैयारी करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी बिल गेट से कराऊंगा, जहां तुम रानी बनकर रहोगी वो तुम्हें हवाई जहाज पर घुमाएगा। आशु थई गई हूं। आप फिक्र मत कीजिए डैडी, ये शादी नहीं होने वाली। आशु बोले छे, क्या इसमें तुम्हारा भी हाथ है? इसका जवाब तो तुम्हें मेरा दामाद बनी ही देगा। अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो ना तो कह दो बच के रहे, मैसम्मा बहुत खतरनाक आदमी है। बच के रहने की जरूरत आपको है, उसे नहीं। वो तो वक्त ही बताएगा, अगर आ गया तो बच के जाएगा नहीं। ए! ए! सुनो, बन्नी तो नहीं दिखाने गई आसपास? नहीं नहीं भैया जी। हाँ? कशाला टेंशन कहता अपने आदमी बैठे ना हथियार के साथ। ए टकलू। आ दादा। सुनना टकलू। हाँ? मुझे नहीं लगता है शादी हो पाएगी। तो? अरे भैया जी आप यही है, अब मैं तो अंधा हूँ, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? ए टकलू, भाभी जी खुश है कि उनकी आंखों से आंसू आ रहे, रनिंग कमेंट्री देना। वो तो खुश लग रहे। इसका मतलब बनी आएगा और काजल को उठा ले जाएगा। Oh,
चल अब टकलू बॉल टू बॉल कमेंट्री देना शुरू कर दे। दादा चिकना अपना स्टाइल में बैठ के काजल को घूर रहा है और स्टाइल में चॉकलेट भी खा रहा है। और भैया जी क्या कर रहे हैं? वो तो चुपचाप खड़े ले हैं। जरा ऊपर से नीचे तक देख। अरे धोतर गीली जाली, तुम सच में अंधे होके नाटक कर रहे ले? एक्सपीरियंस है यार। भैया यही बनी है। अगर हमने इसे अभी मार दिया तो सोमा राजू अपनी बात से मुकर जाएगा। इस पर नजर रखो। ये तुम्हारे कॉलेज का हॉस्टल नहीं है, ये शेर की गुफा है, संभल के रहना। शेर अगर गीदड़ की गुफा में घुस जाए तो वो उसी की हो जाती है। भैया जी मेरे पास भी एक धासु डालोगे, चिपकाओ क्या? अब दूल्हा दुल्हन जाकर नए वस्त्र धारण करे। काजल बिटिया। अबे टकलू अंदर क्या हो रहा है? अंदर क्या हो रहा है वो देखने के लिए तो अंदर जाना पड़ेगा। अब दिख रही? हाँ। दूल्हा दुल्हन को जल्दी बुलाइए। हाँ हाँ दिख रही काजल? काजल 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 बेटा दरवाजा खोलो। काजल क्या कर रही हो? काजल दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। ये क्या कर रहे हैं आप? मुहूर्त निकला जा रहा है सच में। भैया अपना दूल्हा किडनैप हो गया। इसे हाथ मत लगाओ, जाने दो उसे, मेरा बेटा उसके कब्जे में है। होश उड़ गए सोमा राजू? तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, सुधर जा और इंसान बन जा, और रथ यात्रा के दिन चुपचाप पोल्लावरम पहुंच जाना। और तुझे अगर अपना बेटा चाहिए तो इसके साथ साथ तू भी वहां पहुंच जाना, वरना उसकी अस्थियां मिलेंगी। चलता हूँ। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। सब साफ दिख रहा है? हा? दिख रहा है। ए टकलू। हाँ दादा। तेरे बाल थोड़े बढ़ गए रे। काहे सांगता दादा? डॉक्टर साहब मेरा बिजली का बिल किसने भरा? बन्नी ने। हा? तुम तो सुधीर, जिसकी आपने आंखें निकाल ली थी, कल रात मेरे पिताजी गुजर गए, उनकी आंखें आपको दान की गई है बन्नी के कहने पर। अपनी आंखें खोने के बाद ही मुझे पता चला कि अंधापन कितना बड़ा श्राप है, और मैंने जो तुम्हारे साथ किया था उसके लिए तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नरक में क्यों, आपको तो स्वर्ग में जगह मिल सकती है, और इसमें चिरंजीवी आई बैंक आपकी मदद कर सकता है, अगर आप वहां जाकर अपनी आंखों का दान करते हो तो। मुझे अब और लड़ाई नहीं लड़नी है, जो बीत गया सो बीत गया, अब और नहीं। जिंदगी में पहली बार मैं अपने दिल की आवाज सुनूं। उसके पिता के खूनी होने के बावजूद सिर्फ मेरी वजह से उसने आपको छोड़ दिया, क्योंकि आप मेरे पति हो। अपनी बेटी की खुशी की खातिर आप खुद को बदल नहीं सकते। मैंने पैसे की खातिर जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं। मैं पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूं, लेकिन अपनों की खुशियां नहीं, प्यार नहीं। आप मेरे प्यार को कभी नहीं समझ पाए डैडी, शायद मेरे मरने के बाद ही समझ पाएंगे।
मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दौलत बनाई, लेकिन एक बाप की हैसियत से मैं बिल्कुल गरीब ही रहा। काजल की शादी अब बन्नी से ही होगी। मैसम्मा, ऐसा मत करो, छोड़ दो। ए, मैसम्मा! मेरा बेटा कहाँ है? उसे लौटा दे वरना यहाँ लाशें बिक जाएंगी। तूने अभी तक मेरा असली रूप देखा नहीं है। जिस तरह मैंने तेरे बाप को मारा था, तुझे भी उसी तरह तड़पा तड़पा के मार डालूंगा। चल। किसी ने तेरे बाप को मरवाया था और आज बड़ा संत बन के घूम रहा है। इसकी बेटी की मेरे बेटे के साथ शादी इसी वक्त यहीं पर होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे किसी में अगर दम तो सामने आओ और रोक कर दिखाओ मुझे। इस तरह क्या घूर रहा है मुझे? बचपन में तू बच गया, आज बच कर दिखा मुझसे। तुम सब इस कदम पर उछल रहे हो, हैं? पेट्रोल डालकर पूरे गांव को आग लगा दूंगा। ना ये गांव बचेगा और ना ही इस गांव में कोई रहने वाला। शमशान बना दूंगा पूरे के पूरे गांव को। कुछ नहीं उखाड़ सकेगा तू मेरा। चुप क्यों खड़ा है? आज मैं सबके सामने नरसिम्हा भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि आज यही तेरी बलि चढ़ाऊंगा, तब जाकर मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। शाबाश, अच्छा लगा, अब मजा आएगा तुझे मारने का। ये लड़ाई सिर्फ तेरे और मेरे बीच में है, या तो आज तू मरेगा या फिर मैं मारा जाऊंगा। ये मेरा वादा है तुझसे। तूने मेरे पिता की पीठ पे वार किया था, आज यहाँ तुझे मैं सामने से ललकार रहा हूँ। आजा। क्या हिम्मत नहीं हो रही क्या? आजा बस्दिल, आजा। आज यहाँ तेरी कब्र पर ही पलावरम प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी जाएगी। आजा। तुझे तो अपनी जांघों पर रखकर चीर डालूंगा। तुझे कहाँ से चीरूंगा देखता जा। आजा। Oh!
तुझे अपने पिताजी के खून का बदला लेना है बेटा। उठ, उठ जा, मार डाल इसे। मारी ना खेने। तुम ही बननी हो ना? जी हाँ सर। आज तुमने अपने पिता के सपने को साकार किया है। I really appreciate it. Thank you sir. सर, पोलावरम प्रोजेक्ट मेरे पिताजी का सपना था और मैं चाहता हूँ कि उनका ये सपना किसी भी तरह पूरा हो। ये रहे जमीन के कागजात, बस आप डैम बनवा दीजिए। जब भी कोई नेक काम करना होता है तो लोग विवाद खड़ा कर देते हैं, बिना मतलब की बहसबाजी और खामियां ढूंढी जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते मैं इस प्रोजेक्ट को किसी भी हालत में पूरा करवाऊंगा। थैंक यू सर। आपका बना।